कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हाँ भैया, सैमसंग गैलेक्सी A52 5G जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे पहले से पूछ रहे थे कि कब लॉन्च होगा, मेरा अक्सर आंसर यही होता था इंस्टा पे कि अभी तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लिस्ट हो गया है इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, तो जो लोग इस बात से दुखी थे कि यूरोप में लॉन्च किया था 5G वर्जन A52 का, इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च किया, उनके लिए खुशखबरी है, चलिए अच्छी चीज है। पॉसिबली BIS जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडिया का सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, उस पर जब लिस्ट हो जाता है कोई स्मार्टफोन तो 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर पॉसिबली इंडिया में लॉन्च हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको अप्रैल में मिलने के चांसेस थोड़े कम है, पॉसिबली मई तक मिल जाए। अभी तक कोई लॉन्च डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन इंडिया लॉन्च कन्फर्म हो गया है, BIS पे आ गया है, चलो अच्छी चीज है। स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो यूरोप में लॉन्च हुआ था अर्ली मार्च में, मतलब मार्च की शुरुआत में लॉन्च हुआ था, तीनों स्मार्टफोन वहां लॉन्च हुए थे, एंड उसी के बाद 17 तारीख को, और उसके बाद 19 तारीख को ये इंडिया में आ गए थे, लेकिन इसमें A52 का 5G वाला जो वेरिएंट था वो नहीं आया था। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था कि क्यों वहाँ पे 5G लॉन्च किया, यहाँ पे 5G क्यों नहीं लॉन्च किया, एंड चलिए आ रहा है, मिल जाएगा आपको। पहले मेरे ख्याल से अभी तो M42 जो था वो लिस्ट हुआ था BIS पे, अब उसका जो सपोर्ट पेज है वो ऑलरेडी लाइव जा चुका है सैमसंग के इंडिया वाले वेबसाइट पे, वो भी 5G में आने वाला है M42, एंड उसके बाद A52 5G वाला भी आ जाएगा पॉसिबली। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है 90% के आसपास, एक बड़ा मेजर चेंज चिपसेट होगा एंड और कुछ ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक छोटा सा और डिफरेंस है, जो डिस्प्ले है वो आपको 120 हर्ट्ज का मिलता है 5G वाले में, जबकि 4G वाले में जाओगे तो 90 हर्ट्ज का है। सुपर एमोलेड का ही है, फुल HD प्लस का कंसोल के साथ आता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट ही आएगा, क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट आने वाला है जो कि 5G चिपसेट है, 8nm पे बेस्ड है, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी दे देगा, और स्कोर की बात करोगे तो 3,30,000 के आसपास जाता है। चलिए अच्छी चीज है, एड्रीनो 619 का GPU गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी तरह संभाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके बाद कैमरा की बात करोगे तो 64+12+5+5 का क्वाड कैमरा रियर साइड पे है, फ्रंट में आपको 32 MP का कैमरा मिलता है, रियर में आपको OIS का सपोर्ट भी है, IP68 की रेटिंग दी गई है, यानी आप कुछ 1.5 मीटर तक पानी में अगर आधे घंटे तक रहा तो कोई ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं आएंगे स्मार्टफोन में उनके हिसाब से मानो तो। चलिए 4,500 mAh की बैटरी है, 4G वाले में आपको 15W का ही चार्जर आता है, 5G वाले में 25W का चार्जर आता है, एंड दोनों में सपोर्ट 25W का ही करता है। चलिए इसके बाद आपको एक्सपांडेबल स्लॉट मिल जाएगा, वेरिएंट की बात करोगे तो 6GB रैम वाले दोनों वेरिएंट आए हैं, 6GB 128GB और 6GB 256GB। प्राइसिंग पे आते हैं, अब देखिए पहले बता दूं कि लॉन्च का, तो लॉन्च आपको ये ज्यादा चांसेस है कि मई में मिले, क्योंकि अप्रैल में 2-3 स्मार्टफोन्स हैं लाइन में सैमसंग के, वो आएंगे उसके बाद ही आने के चांसेस हैं। अब प्राइसिंग की बात करें तो यूरोप से अगर हम कंपेयर करें तो जो 4G वाला था यूरोप में 6GB 128GB 30,000 में लॉन्च हुआ था, और इंडिया में आके 26,500 में लॉन्च हुआ, यानी 3,500 का डिफरेंस था। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5G वाला जो था 6GB 128GB वहां पे 37,000 में लॉन्च हुआ था, अगर कंपैरिजन करोगे परसेंटेज के हिसाब से तो ये 31-32,000 के आसपास इंडिया में लॉन्च होना चाहिए अगर उस हिसाब से देखो 6GB 128GB 5G वाले का। अब ये तो प्रेडिक्शन है, अब ये देखते हैं किस प्राइस पर लेके आते हैं, वो बात की बात होगी, लेकिन अगर आप उस हिसाब से कंपेयर करते हो जो प्राइसिंग यूरोप की है उसके बाद इंडिया की है, तो ये 31-32,000 के आसपास इंडिया में, 32,000 के आसपास ही इंडिया में इसका 6GB 128GB वाला वेरियंट जो है 5G वाला पॉसिबली लॉन्च होना चाहिए अगर प्राइस उस हिसाब से जाता है तो। लेट्स सी, देखते हैं A52 5G, जो लोग वेट कर रहे थे जिनको इसका इंतजार था आ गई भाई, लिस्ट हो गया है, अभी आया तो नहीं है, पॉसिबली ये मई में लॉन्च होगा पहले 10 दिन के अंदर अगर उस हिसाब से जाएं तो। लेट्स सी, देखते हैं जैसे आएगा, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे वैसे आपको बताते रहूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया, और भी बहुत सारे वीडियोस उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करने खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।